गौ मास के साथ गौ हत्यारा गिरफ्तार, भेजा गया जेल, बाकी तीन आरोपी फरार। भंडरिया से इरशाद आलम की रिपोर्ट। झारखंड राज्य के गढ़वा जिला अंतर्गत सुदूर प्रखंड भंडरिया थाना क्षेत्र के सिकरिया गांव से शनिवार की सुबह गौवंश की हत्या कर गौ मास के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया एवं अन्य तीन आरोपी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी सिकरिया गांव के प्रधान अमरनाथ किरकेटा का पुत्र संत प्यारे लाल किरकेटा है। गिरफ्तार युवक को भंडरिया पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जिला जेल गढ़वा भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिकरिया गांव से सटे जंगल में शुक्रवार की शाम कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि गौवंश की हत्या किया गया है। बातों बात में यह खबर आग के तरह फैल गई। इसकी छानबीन के लिए शनिवार की सुबह ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इसी क्रम में इसकी सूचना भंडरिया पुलिस को भी हो गई। भंडरिया पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच घटनास्थल से गौमांस के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, वहीं अन्य तीन लोग फरार हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस सावन महीने में इस तरह की घटना से काफी आक्रोशित हो गए तथा घटना में शामिल सभी आरोपी को गिरफ्तार करने को लेकर भंडरिया बाजार को बंद करा दिया तथा देवी मंडप चौक के समीप धरने पर बैठ गए तथा गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दो आदि नारे लगाने लगे। सूचना होने पर भंडरिया अंचलाधिकारी मदन महली, प्रखंड विकास पदाधिकारी विपिन कुमार भारती, थाना प्रभारी धरना स्थल पर पहुंच ग्रामीणों को समझाते हुए घटना में शामिल सभी आरोपियों को अविलंब गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया। दो घंटे हंगामे के बाद युवकों के द्वारा जाम हटाया गया। इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी संजय कुमार खाखा ने बताया कि आरोपी सत्य प्यारे लाल किरकेटा अपने तीन अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर भंडरिया के ही वीनू किरकेटा के बछड़े को 3500 रुपए में खरीद कर जंगल में ले जाकर बछड़े की हत्या कर उसकी मांस की बिक्री कर दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी के निशानदेही पर गौवंश की कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसे जब्त कर लिया गया है। जल्द ही सभी आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होंगे तथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे थे डेली न्यूज झारखंड। धन्यवाद।